नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक ने 16 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीएनबी के प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। नजर डालते हैं इस देश को शर्मसार करने वाली खबर पर। इंदौर पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक को 16 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह मामला शहर के तुकोगंज थाने में दर्ज है। छात्रा का आरोप है कि पीएनबी मैनेजर ने उससे दोस्ती की, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर शोषण किया। आरोपी की पहचान 53 वर्षीय पीएनबी के मुख्य प्रबंधक परविंदर सिंह जम्वाल के रूप में हुई है। तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के मुताबिक आरोपी परविंदर के खिलाफ 10वीं की छात्रा ने 20 दिसंबर को दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। छात्रा ने बताया कि आरोपी 2 साल पहले इंदौर में पद स्थित था। छात्रा की सहेली की मां आरोपी के घर में काम करती थी। वह एक दो बार सहेली के साथ उसकी मां से मिलने आई थी। इस बीच आरोपी ने पढ़ाई के लिए लोन दिलाने का झांसा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी किसी बहाने से दोस्ती कर छात्रा को गोवा भी घुमाने ले गया था। इसके बाद आरोपी ने 20 अगस्त इंदौर के संतूर होटल में छात्रा को ले जाकर उसका दुष्कर्म किया और आरोपी ने छात्रा का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद उसने छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे 2 बार और संबंध बनाए। टीआई के मुताबिक घटना के बाद से ही छात्रा काफ़ी दुखी रहने लगी थी। उसकी टीचर ने उससे दुख का कारण पूछा तो वह रोने लगी, पूरी घटना बयां कर दी, आत्महत्या की बात भी करने लगी। टीचर ने उसके परिवार से संपर्क किया, जिसके बाद छात्रा के परिजनों को इस मामले का पता चला। फिर उन्होंने छात्रा से केस दर्ज कराया।